जी हाँ दोस्तों, आज का जो प्लान है 32x45 में आपको मिलेगा। फ्रंट से डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, मैं इसका सब कुछ डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस मकान को डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट में बरामदा मतलब ये पोर्च हो गया, साइड में दो बरामदे आपको दोनों साइड आपको मिलते हैं, बीच में आपके इस तरीके से कॉलम वगैरह रहेगा। ठीक है, तो साइड डिटेल में शेयर करूंगा, तो वीडियो अंत तक देखें। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई नक्शा बनवाना है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल आपको बताते हैं। अब डिटेल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट जो है 32 मतलब 32 फिट हो गया और लेंथ जो है 45 है। पोर्च इसमें जो है एक्स्ट्रा है, ये 10 फिट एक्स्ट्रा आपका पोर्च रहेगा। ठीक है, तो इसको पोर्च को यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ये 10 फिट आपका एक्स्ट्रा रहेगा पोर्च का साइज। साइज वगैरह सब कुछ मैं एक एक चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो पूरा अंत तक देखें। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मकान की हाइट को 2 फिट ऊपर रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से 2 फिट हाइट रहेगी मकान की। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिया गया, फ्रंट में आपको सीढ़ी दिए गए हैं इस बरामदे मकान में एंट्री के लिए। ठीक है, साइड में भी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप स्टेप्स दे सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टेप्स नहीं डिजाइन किया है, यहाँ पे आपका इस तरीके से चौक लगा दिया ताकि यहाँ पे आपका प्लांटेशन वगैरह हो सके दोस्तों। ठीक है, बरामदे की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है 4 फिट वाइड है, यहाँ पे 4 फिट वाइड है। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 फिट वाइड है, और फ्रंट में जो है ये यहाँ से 10 फिट वाइड हो गया। तो अगर इसको टोटल ऐड करेंगे तो 14 फिट हो गया, लंबाई 14 फिट हो गया, चौड़ाई की बात करें 10 फिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम्स जो बनाए गए हैं 8 फिट हाइट पे आपके कॉलम्स दिए गए हैं, और ये जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा 1 फिट 6 इंच आपको इस तरीके से स्ट्रेट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये राउंड कर दिए गए और इसमें 3 कॉर्निस की डिजाइन आपको मिल जाएगी, 1 2 3, ये तीनों जो है 2 2 इंची आपका आगे रहेगा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी 1 फिट 6 इंच हो जाएगा, इधर भी 1 फिट 6 इंच हो जाएगा, उसके बाद ये आपका राउंड हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो इसके इस साइड में अगर हम बात करें तो ये भी 1 फिट 6 इंच हो गया। ठीक है, ये भी 1 फिट 6 इंच हो गया, उसके आगे ये आपका राउंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से बरामदे को डिजाइन किया गया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मकान को डिजाइन किया गया है। हाँ, अब एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो है 2.5 फिट आपका डाउन है। टोटल मकान को हमने 10.5 फिट अंदर अंदर आपका रखा है, जो छत है वो एक्स्ट्रा है, अंदर अंदर आपको क्लियर क्लियर आपको 10.5 फिट मिलेगा, जिसमें से 2.5 फिट ये डाउन हो गया, 8 फिट कॉलम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 6 इंची में आपका इस तरीके से राउंड वगैरह बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद जब रेलिंग की अगर हम बात करें तो ये जो छत है इसमें आप कॉर्निस का डिजाइन इस तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से कॉर्निस का डिजाइन, जब आप छत की ढलाई करेंगे तो उसी समय आप POP से डिजाइन को बना सकते हैं। रेलिंग की अगर बात करें तो ये 2 फिट सीधा रखा गया, बीच में आपको इस तरीके से कटिंग मिल जाएगा, इस साइड भी कटिंग मिल जाएगा, और ये आपका जो भी हिस्सा बचता है 3 फिट हाइट रखने के बाद रेलिंग का हाइट की रेलिंग की हाइट हमने 3 फिट रखा है, इसको 2.5 फिट डाउन करके यहाँ पे इस तरीके से गुड़िया डिजाइन बोलते हैं, पावा डिजाइन बोलते हैं, आप जो समझिए इस तरीके से डिजाइन यहाँ पे घोड़े का या पावे का डिजाइन दिया गया है। जो भी पोर्च एरिया है उसमें भी हमने इसी सेम पैटर्न को फॉलो किया है दोस्तों। ठीक है, 2 फिट स्ट्रेट रख के उसके बाद ये राउंड पावा का डिजाइन यहाँ पे बना दिया गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा डिजाइन आपको मिल जाएगा। बाकी विंडो का डिजाइन भी आप देख लीजिए, फ्रंट में बरामदे में आपको विंडो मिलेगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा। इसका साइजेस वगैरह मैं बताऊंगा, तो एक एक चीजें आपको डिस्कस करूंगा दोस्तों। अब बाकी मकान विलेज का है, गांव का है, तो आप खिड़की चारों साइड दे सकते हैं। बाकी साइड हमने विंडो रेलिंग को नहीं डिजाइन किया है। अगर आपको चाहिए बाकी डिजाइन, बाकी साइड भी डिजाइन, तो आप यही फ्रंट वाले डिजाइन बाकी साइड भी आप बना सकते हैं दोस्तों। बाकी प्लान आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर जाइएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं। और हाँ, गुमटी की अगर बात करें तो ये अंटिया बोलते हैं, गुमटी बोलते हैं, ममटी बोलते हैं, सीढ़ी का रूम बोलते हैं, जो समझिए इसको इस तरीके से बोला जाता है, सीढ़ी का रूम हो गया। इसके बाद आपका सिंपल से हमने इसको डिजाइन किया, अगर आप चाहें तो इसको भी इसी पैटर्न में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी छत को हटा करके आपको अंदर का चीज़ें आपको समझाते हैं किस तरीके से आपका बनाया गया है दोस्तों। मकान में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको पोर्च एरिया मिल जाएगी, पोर्च एरिया हो गया, दोनों साइड आपका 4-4 फिट वाइड एक आपका बरामदा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये आपको पैसेज मिलेगा, साइजेस भी मैं बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ आपको मैंने बताया नहीं, यहाँ पे हमने इस बेडरूम का दरवाजा बाहर से दिया है। क्यों दिया है, मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उनको बाहर से अंदर न जाना पड़े रूम को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ से वो अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई गेस्ट है या फिर आप पर्सनल रूम है, कोई बुजुर्ग है, वो भी इस रूम को यूज कर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे मेन गेट से, आपका ये पैसेज हो जाएगा, पैसेज से आप आगे एंट्री करेंगे तो ये आपका पूरा हॉल एरिया हो जाएगा, यहाँ पर पूरा हॉल एरिया हो जाएगा, जिसमें एक साइड में किचन हो गया, एक साइड में आपका सीढ़ी हो गया। इस साइड की बात करें तो ये आपका एक बेडरूम हो जाएगा दूसरा वाला।
फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इस साइड में किचन हो गया, इस साइड में आपका सीढ़ी हो गया। सीढ़ी भी आप देख लीजिए किस तरीके से बनाया गया, 7 इंची ऊंचाई है, 10 इंची थ्रेड है और इस तरीके से आपका सीढ़ी बनेगा दोस्तों। इसके नीचे चाहे आप स्टोर वगैरह बना सकते हैं, इसके नीचे भी काफ़ी स्पेस है, चाहे तो आप स्टोर रूम बना सकते हैं या फिर बहुत लोग क्या होता है ऑप्शनल गेट भी ढूंढते हैं कि एक बाहर निकलने के लिए एक दरवाज़ा चाहिए, तो यहाँ इसके नीचे आप दरवाज़ा दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये 2 बेडरूम आपको पीछे साइड में 2 बेडरूम मिलेगा, बीच में आपके यहाँ पर एक टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगा। ये टॉयलेट बाथरूम कंबाइंड है, 2 बेडरूम के साथ में इस तरीके से कंबाइंड रहेगा, इसमें टॉयलेट और बाथरूम दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा और प्लान आपका, और अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ऊपर आपका इस तरीके से ममटी वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब चलते हैं साइजेस आपको एक एक करके हम बताते हैं कि साइजेस हमने क्या चीज कैसे रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन मकान का। मकान भाई आपका 32 फिट में ही बनाया है, हमने उससे ज्यादा बना दिया आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 32 फीट आप देख सकते हैं इस तरीके से, 32 फीट में आपका मकान बना हुआ है, 32 बाई 45 में आपका बना हुआ है। ये जो पोर्च है ये 10 फीट आपका एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका पोर्च जो है 10 फीट आपका एक्स्ट्रा रहेगा इस तरीके से। इसके बाद इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो पोर्च की ये 11 फीट हो गया, 10 बाई 11 में आपका एक्स्ट्रा रहेगा। यहाँ पे जो 4 फीट है ये आपका बरामदा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 फीट बरामदा हो जाएगा, लेकिन पोर्च के सामने आपका 14 फीट हो जाएगा क्योंकि 4 फीट ये भी तो जुड़ जाएगा इसमें। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो गेस्ट रूम है इसका साइज आप देख लीजिए, ठीक है, ये आपका 12 फीट हो गया गेस्ट रूम का साइज, 12 बाई 14 का हो गया, ठीक है, ये 12 बाई 14 का आपका गेस्ट रूम का साइज हो गया। बाहर की दीवार हमने 9 इंच की, अंदर की दीवार 4 इंच की रखा है, ठीक है, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। और ये आपका 5 फीट 10 इंच का आपका पैसेज हो जाएगा, अंदर की जो गैलरी है 5 फीट 10 इंच में आपका बनाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आपका बेडरूम इस साइड में आपका 12 बाई 14 हो गया, ठीक है, ये आपका 12 बाई 14 हो गया इस गेस्ट रूम इस बेडरूम का साइज। इसका दरवाज़ा यहाँ इस पॉइंट पे दिया जाएगा और इस बेडरूम का दरवाज़ा इस पॉइंट पे दिया जाएगा ताकि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है किचन, किचन आप देख लीजिए 10 फीट 10 इंच × 8 फीट में आपका एक किचन हो गया। फिर पूरा जो साइज ये बचता है ये वाला एरिया, ये आपका 15 फीट 10 इंच × 10 फीट 10 इंच में आपका पूरा हॉल एरिया आपका बच जाएगा। ये आपका सीढ़ी इस तरीके से डॉग लेग में आपका सीढ़ी इस तरीके से रह जाएगी। और पीछे के साइड में चलेंगे तो 12 बाई 14 के 2 बेडरूम पीछे साइड में आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं 12 बाई 14 के 2 बेडरूम आपको पीछे साइड में इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये पहला बेडरूम हो गया, ये दूसरा बेडरूम आपका हो गया, ठीक है, ये आपके 2 बेडरूम पीछे साइड में आपको मिल जाएंगे। टॉयलेट बाथरूम की साइज़ की अगर बात करें तो 7 फीट हो गया, ठीक है, 7 फीट × 5 फीट 10 इंच, 7 बाई 5 फीट 10 इंच में आपको टॉयलेट बाथरूम इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये पूरा प्लान का स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई नक्शा बनवाना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही नंबर दिया हुआ है दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।